नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर चंद्रजीत, आपका अपना डॉक्टर चंद्रजीत यूट्यूब चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, हम लगभग जितना भी वीडियो डालते हैं उसमें एक कमेंट आता है कि सर, हमारे पास जो गाय थी वह बच्चा दी है और वह जड़ गिराने नहीं गिराई, और जब हम उसको जड़ निकलवाए हैं, जड़ जिसे पहले सेंटा कहते हैं, तो यह पहले सेंटा निकलवाए हैं और जो जिस जितना इसको दूध होना चाहिए उतना दूध नहीं हो रहा है, इसको दूध कम हो गई है, साथ साथ यह जो है खाना कम खा रही है। तो आज हम जो वीडियो बनाए हैं इसमें आपको यही बताएंगे कि आखिर पहले सेंटा यानी कि जड़ को कैसे निकालना है, जड़ निकालते वक्त क्या क्या सावधानी बरतनी है, और उसके बाद जड़ को निकालने के बाद क्या इंजेक्शन देना है जिससे पशु का यूटेरस में इन्फेक्शन नहीं हो, और इन्फेक्शन नहीं हो और पशु का जो दूध का प्रोडक्शन है, मिल्क प्रोडक्शन कम नहीं हो, इसके बारे में आज हम आपको डिटेल से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट में हम पशु संबंधित कोई भी वीडियो डालूँ तो वह आप तक पहुँचे और सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए किसान भाइयों, ध्यान दीजिए कि बगल में हम जड़ प्लेसेंटा निकाल रहे हैं वह किस तरह से निकाल रहे हैं। आपको उसी तरह से जड़ निकलवाना है। और तो किसान भाइयों, सबसे पहला काम इसमें क्या करना है, तो सबसे पहला काम है कि जब पशु बच्चा देती है तो वह कम से कम 6 घंटा के अंदर ही जड़ गिरा देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, 6-7 घंटा के अंदर नहीं प्लेसेंटा गिराती है, जड़ गिराती है, तो आपको निकलवा लेना अर्जेंट जरूरी है। अब निकालना किस तरह से है वह हम आपको बताते हैं। तो निकालने से पहले आपको कम से कम 5 से 7 लीटर पानी गर्म करवाना है। पानी को गर्म इतना करवाना है जिसका जो टेम्परेचर होता है लगभग 36 से 37 डिग्री होना चाहिए। पानी का जो टेम्परेचर होता है 37 से 38 डिग्री या 36 डिग्री तक होना चाहिए। पानी 7 से 8 लीटर लेना है, और उसमें जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है जिसे लाल पोटास कहते हैं, वह लाल पोटास को उस पानी में, अगर 8 लीटर पानी है तो उसमें चुटकी भर जो लाल पोटास होता है जिसे पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, इस साइड में देखिए फोटो भी आ गया, वह उसमें चुटकी भर मिला लेना है। और मिलाने के बाद आपको एक पाइप और एक टिप लेना है, जैसे कि हम अभी आपको बताते हैं, यह पाइप और यह टिप लेना है, और यह टिप के सहायता से और यह पाइप के सहायता से आपको अंदर में जो पानी है जिसमें आप लाल पोटास घोले हैं उसको अंदर पानी दीजिए, 1 लीटर 2 लीटर जितना एडजस्ट हो सके यूटेरस में उतना आप पानी दीजिए, और पानी देने के बाद उसको धीरे धीरे आस्ते आस्ते निकालिए। आपको जो डब जोर झटका दे करके उसको नहीं निकालना है, उसमें जो कोटेले होता है उस कोटेले को छोड़ाना है, धीरे 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 छोड़ा छोड़ा करके आपको अच्छी तरह से निकाल लेना है। और निकालने के बाद फिर से जो है 2-3 बार आपको अच्छी तरह से इससे आपको उस यूटेरस को इस पानी से साफ कर देना है, जैसे कि इसको अंदर करेंगे पानी इसमें आएगा, और जब पानी लोड हो जाएगा तो अपने आप जो है अंदर से बाहर की ओर आएगी। उसके बाद क्या करना है, जब इतना काम कर लेना है तो एक आता है फ्यूरेक्स नाम का बोलस, फ्यूरिया बोलस या फिर फ्यूरेक्स जो है वेस्ट फार्मा का है और फ्यूरिया है जाइडस का है, तो आप दोनों में से किसी का भी ले सकते हैं। तो फ्यूरेक्स जो बोलाते हैं होता है वह 4 बोलस ले लेना है, और 4 बोलस देखिए साइड में उसका भी फोटो आ गया है फ्यूरेक्स का भी, तो 4 बोलस फ्यूरेक्स लेना है, और 2 बोलस जो है इस 4 बोलस लेने के बाद आपको अच्छी तरह से हाथ में एक जगह धर लेना है, और अंदर आपको जितना अंदर जा सके अंदर जा करके उसको छोड़ देना है, उसमें फ्यूरिया बोलस डाल देना है। होता क्या है किसान भाइयों कि जब हम किसी डॉक्टर को हम कॉल करते हैं, बुलाते हैं जड़ निकालने के लिए, तो वह आते हैं और जो अपना कपड़ा होता है उसको नहीं उतारते हैं और डायरेक्ट हाथ देते हैं, इस तरह से जो है जड़ साफ नहीं हो पाता है और उसी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। तो आपसे गुजारिश रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जहाँ पर भी जड़ निकालने जाएँ तो आप जो पहने हुए हैं उसको क्लीन पहले कपड़ा को हटाइए, और हाथ में जो है ग्लव्स पहन लीजिए, ताकि आप जब प्लेसेंटा निकालते हैं, जड़ निकालते हैं,
तो आपका जो हाथ है पूरा अंदर तक के जाए। अब मान लीजिए कपड़ा रहता है जो आप शर्ट पहने हुए रहते तो वो रहता है, तो इतने तक के आपके हाथ घुसता है और इस तरह से जड़ नहीं निकल पाता है। तो आप पूरा जो हो साफ कीजिए, अंदर से जो कपड़ा पहने हो उसको खोल करके और ग्लव्स पहन के तब जड़ निकालिए। अब जैसे बताए वैसे जड़ निकालना है, और जो फुड़िया बोला से वह देना अर्जेंट जरूरी है। अब इतना करने के बाद आपको इंजेक्शन क्या क्या देना है वह हम आपको बताते हैं। तो जहाँ पर आप प्लेसेंटा निकालते हैं, जड़ निकालते हैं, वहाँ पर आप सबसे पहले एक टेटवेट दे दीजिए। टेटवेट यानी कि टेटनस का जो वैक्सीन इंजेक्शन आता है वह दे दीजिए, टेटवेट नाम से आता है। तो यह जो टेटवेट है आपको 5 ml देना है। जैसे कि अगर एक एम्पुल वाला लेते हैं, 1 ml का वाला एम्पुल, तो ऐसा 5 ml आपको दे देना है। और यह जो है टेटवेट इंजेक्शन देने के बाद आपको आप एक इंटास कंपनी का मेनोलेक्स पावर आता है, जो कि इस तरह से होता है। देखिए मेनोलेक्स पावर, साइड में इसका भी फोटो आ गया है। यह मेनोलेक्स जो पावर है, इसका जो कंपोजिशन है मेलोक्सिकन। यह क्या होता है कि जब जब प्लेसेंटा जर्म निकालते हैं तो वहाँ पर यूटेरस में दर्द हो जाती है। जब आप बार बार हाथ देते हैं निकालते हैं तो उस कंडीशन में उसमें दर्द हो जाता है। तो यह जो मेनोलेक्स पावर है उस यूटेरस यानी कि बचदानी का जो दर्द है वह दर्द करेगी। साथ साथ उसमें जो थोड़ा बहुत भेजाइना में क्या होता है कि सूजन बन जाती है, तो वह सूजन को भी कम करेगी। उसके बाद आपको एक एंटीबायोटिक भी ले लेना है, जैसे कि मॉक्सन नाम से, जो कि LMD कंपनी का आता है। इसका जो साल्ट है, कंपोजिशन है एमोक्सासिलिन सोडियम एंड क्लोक्सासिलिन सोडियम। यह इंजेक्शन आपको 4 ग्राम देना है। यह इंजेक्शन में जो इस तरह से जो है पाउडर रहेगा और डिस्टिल वाटर रहेगा, दोनों को मिला करके आपको मांस में यह दोनों इंजेक्शन आपको देना है। यह दोनों इंजेक्शन आपको देने के बाद आपको एक कैल्शियम का भी इंजेक्शन दे देना है, जैसे कि कैल्विट नाम से आता है, मार्क कंपनी का यह इंजेक्शन है कैल्विट। यह जो इसमें जो कैल्शियम के साथ साथ कैल्शियम, विटामिन डी एंड विटामिन B12 भी डाला गया है, तो यह इंजेक्शन भी आपको एक दे देना है। तो यह जो कैल्फिट इंजेक्शन है आपको 25 से 30 ml आपको दे देना है, या 20 ml भी दे सकते हैं। यह जो है कैल्शियम का इंजेक्शन है, तो यह इंजेक्शन आपको दे देना है। उसके बाद आपको एक एविल भी लगा देना है, जैसे कि जाइडस कंपनी का एविल एक आता है क्लोराजिन, तो यह क्लोराजिन आपको 10 ml देना है। किसान भाइयों, यह जो है 5 हम इंजेक्शन बताए हैं। आप अपने पशु को जिसे जर यानी कि प्लेसेंटा प्लेसेंटा निकलवाते हैं उसको यह 5 इंजेक्शन देना जरूरी है, तभी आपके पशु का जो यूटेरस है बचदानी है उसमें इन्फेक्शन नहीं होगी। और इन्फेक्शन नहीं होगी तो उसको भूख भी लगेगी, पाज भी करेगी, और साथ साथ जो उसका जो दूध का प्रोडक्शन मिल्क प्रोडक्शन कम गया है वह भी दूध बढ़ जाएगी। होता क्या है कि जब हम जर निकलवाते हैं तो वह सही ढंग से नहीं निकल पाती है, तो उसके वजह से जो है इन्फेक्शन हो जाती है। तो इस इन्फेक्शन के वजह से भी पशु का जो दूध है वह दूध भी कम जाती है और खाना खाना भी कम कर देती है। इसके बाद आपको एक और दवा देना है, पिलाने वाला आता है नेचुरल रेमिडीज का इन्फोलॉन आता है, या फिर इन्फोलॉन नहीं मिले तो हिमरोप आता है हिमालया कंपनी का। बगल में देखिए फोटो भी आ गया है हिमरोप कंपनी का। तो यह जो हिमरोप है 500 ml यानी कि आधा kg आपको ले लेना है, और 100 ग्राम करके डेली आपको 5 दिन तक के लगातार देना है। इतना काम अगर आप अपने पशु के साथ करते हैं, इतना इंजेक्शन दिलवाते हैं और यह जो दवा बताए पिलाते हैं, तो उसको जो है यूटेरस संबंधित किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगी, तो और उसके यूटेरस में किसी तरह का इन्फेक्शन भी नहीं होगी, और आपका पशु जो है बिल्कुल स्वस्थ रहेगी और दूध जो जितना देना चाहिए उतना दूध भी देगी, साथ साथ जुगाली भी करेगी, खाना भी खाएगी। किसान भाइयों, मेरा यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त साथियों अगले किसान भाइयों तक शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।